ये रिपोर्ट में तो आया है, यूएसए की रिपोर्ट है कि 12 साल एवरेज एज है फर्स्ट इंटरकोर्स की अमेरिका में, 8-9 साल में कई बच्चे करते हैं, कई बच्चे करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये चीज से क्या साबित हुआ, वो लोग प्रैक्टिकली क्या साबित कर रहे हैं मालूम है कि आपकी थियोरी की वो लोग अनफिट होते हैं ना, वो लोग साबित कर रहे कि नहीं हो रहा है। एक होता है लेटर ऑफ द लॉ, एक होता है स्पिरिट ऑफ द लॉ। और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आपको पता है अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी काम कर रही है, जैसे गैलप की पोल है जिसके अंदर आया 25 साल उम्र होनी चाहिए मिनिमम औरतों की, 27 साल होनी चाहिए मर्दों की। और आप सोचो कि ये हो गई, अभी 18 से 21 की बात हो रही है, फिर 25 27 पे आ जाए, 30 साल तक जाए, और वो लोग जाके देखेंगे ये जो 2022 वाले लोग थे ना, ये लोग तो सब पीडोफाइल थे, ये सब सेक्सुअल अब्यूजर्स थे। अगर आप ये कहेंगे तो क्या आप उनके क्रिटिसिज्म को सही समझोगे उस जमाने के क्रिटिसिज्म के हिसाब से? यार जैद भाई आप कैमरा क्यों बंद कर देते हो यार? हाँ रहिए ना, कैमरे के साथ रहिए, क्या मसला है? फिर बंद कर दे। चलिए कोई नहीं, जी स्टार्ट करूं मैं? नहीं एक मिनट, हाँ रिस्टार्ट कर दो मैं टाइमर। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जी मैंने इनसे ये पूछा था कि मेंस्ट्रुएशन का सिर्फ स्टार्ट हो जाना क्या इस बात की दलील है, क्या सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से एक बच्ची फिजिकली एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ उसके बाद वो प्रेगनेंसी, सेफ प्रेगनेंसी और सेफ चाइल्ड बर्थ के लिए रेडी हो जाती है? हमने एक्सपर्ट्स को देखा है और खुद इस बात को जैद भाई जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जाके कोई बाजू में कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए और या पीडियाट्रिशियन के पास जाए और जाके पता करे कि भाई के सेफ पीरियड क्या होता है, क्या 9-10 साल की बच्ची जिसको सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है क्या वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी है, यानी सेफ प्रेगनेंसी और सेफ चाइल्ड बर्थ के लिए। मैंने आपको अभी डेटा बताया, यानी वो आर्टिकल बताया, और उसके हिसाब से कई सारे आर्टिकल है जिसमें टीनेज प्रेगनेंसी की वजह से माँ की भी मौत हुई है, बच्चे की भी मौत हुई है, या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि 1400 साल पहले ऐसा नहीं होता था, या वो टाइम की जो लड़कियां हैं या जो औरतें हैं वो अलग होती थी। अगर अलग होती थी तो उसका एक साइंटिफिक एविडेंस हमें बता दे कि पहले की औरतों की जो हड्डियां हैं और वो जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता था। ऐसी कोई बात नहीं है, डेटा कॉमन है कि औरतों की एज या उसका जो ग्रोथ है वो सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने पे वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो जाती। इसका जवाब अभी तक इन्होंने मुझे नहीं दिया है। दूसरी बात, क्या एज ऑफ कंसेंट के बारे में इन्होंने बात की। देखिए, एज ऑफ कंसेंट अगर किधर कम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है, ये एक सोशल इशू है और लोग जो है जो सोसाइटी होती है वो इस पे काम करती है और उस हिसाब से सेट करती है। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो जो फैसला अगर सोसाइटी ले वो सही हो, हमें खुद अकल लगा के देखना है कि क्या ये चीज सही है या नहीं है। दूसरी चीज, एज ऑफ कंसेंट अगर कम भी है, 14 साल है, 15 साल है, 13 साल है, तो एज ऑफ कंसेंट में कोई शादी नहीं कर रहा है, कि शादी होगी उसके बाद उसको बच्चे पैदा करना है, उसके बाद उसके ऊपर बोझ आ रहा है। हालांकि हम इसको सही नहीं समझते क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस हिसाब से तो ये सही नहीं है, और अगर किधर अलाउड भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें जो है वो एक सोशल इशू है, उस पर सोसाइटी गौरव फिकर करती है और उस हिसाब से फैसला लेती है। सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना 14 साल की लड़की या आपको फिजिकली डैमेज नहीं करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, लेकिन आप अगर शादी करते हैं आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, आपकी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है वहां पे प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। अच्छा, इन्होंने एक बात कही थी कि हजरत आयशा जो है वो बड़ी इंटेलिजेंट थी और वो यानी उन्होंने ये इतनी सारी हदीसें, मुझे बताइए हजरत आयशा ने क्या ऐसा इंटेलिजेंट वाला काम किया है? एक फैमिली के यानी एक जो बच्ची होती है या एक घर का जो मेंबर होता है उसे तो पता होता है कि हमारे घर पे क्या चल रहा है, हमारे घर का रूल्स क्या है, कितने बजे उठना है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, नमक कितना डालना है, ये कौन सा इंटेलिजेंस है? क्या हजरत आयशा ने कोई एल्गोरिदम निकाला, कोई फॉर्मूला निकाला, कोई कोई अजीब बात निकाल दी? भाई टाइम खत्म हो गया आपका। जी 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 किधर है? हाँ, दो सेशन बचे हैं, हम 3-3 मिनट के। ठीक है, जल्दी रेडी, मैं पावर पॉइंट स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ।
I'm ready. Start timer. हाँ, ready? मुझे अपनी ये स्लाइड फिर से लानी पड़ी क्योंकि साहिल वही चीज रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ मेंसेस काफी नहीं, सिर्फ मेंसेस काफी नहीं। ये मैंने आपसे पहले कहा कि सिर्फ मेंसेस काफी नहीं है, प्रूफ के साथ बताया, तो आप वो बात क्यों रिपीट कर रहे हैं? वी ऑन द सेम पेज। और जो आपको मैंने जो दो बातें कही है कि जो दो स्टैंडर्ड, अब आपने कहा कि लोग करते हैं लेकिन लोगों की बात सही नहीं होती है, और उससे थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे लोग क्या कहते हैं, तो आपके स्टैंडर्ड को आपको वाजे करना चाहिए कि लोग आपके लिए स्टैंडर्ड है या नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी दो स्टेटमेंट्स में। और आप देखेंगे कि साहिल मेरे बहुत सारे पेंडिंग क्वेश्चंस के जवाब दे सकते थे लेकिन अपनी वही बात को फिर रिपीट कर रहे हैं जो मेडिकल वाली। और मैं देखिए वो जो बोल रहे ना, आपने आसपास देखा नहीं है, आसपास ये आसपास देख के रिपोर्ट बनती है। जब मैं आपके सामने मेडिकल रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सेवरल स्टडीज, ये जामा में आया जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, सेवरल स्टडीज सपोर्ट द हाइट हाइपोथेसिस दैट द ग्रोथ वेलोसिटी ऑफ हाइट पीक्स रीचेस अ पीक वन ईयर बिफोर मेनार्की, लोस डाउन देयरआफ्टर एंड स्टॉप्स विद इन वन आफ्टर मेनार्की। कई रिपोर्ट्स हैं, आपकी रिपोर्ट्स मानेंगे। मैं लोगों से पूछता हूँ कि यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट्स प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ, ये आसपास की लड़कियों को देख के ये जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं कौन सी सही है, गौर करना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि इसके आगे जो उन्होंने कहा कौन सा बड़ा काम, आपको पता है हम लोगों के लिए मोहम्मद सलाम रोल मॉडल है, और उनके अंदर की हाउस होल्ड लाइफ जो है ना वो कौन बताया, किसके बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि कैसे थे वाइफ के साथ, कैसे थे घर में, क्लेनलीनेस इश्यूज और कई सारे औरतों के मसाइल, ये सब हमें मालूम पड़ा आयशा रदिल्लाहा के जरिए। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस 2210 हदीसें जो उन्होंने बयान की ना, क्या उनकी दूसरी वाइफ में से किसी ने बयान किया? सब लोग बयान किए होते ना, अगर इतनी नॉर्मल बात थी ये, अगर सोचो आयशा रदिल्लाहा भी एक अबव एवरेज नहीं होती तो फिर आपका ऑब्जेक्शन कुछ बन सकता था, लेकिन उनका एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्ट्रीब्यूशन है इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर एक्स्ट्रॉर्डनरी तौर पर। और इसी वजह से आपकी ये बात वहां पे फॉल डाउन हो जाती है कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्या उन्होंने जो चीज दी ना हम लोग उसके लिए फार ग्रेटर इंडिटेड देन एनी साइंटिफिक डिस्कवरी। मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की लेकिन फाउंडेशन उनके रिलीजन से मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि उनका ये जो अगर सोचो उनकी डेथ हो जाती थी तो आपकी बात होती थी, उनकी वो जिंदगी भी थी, उनकी लर्निंग भी थी, वो टीचर भी थी और उनकी नॉलेज भी थी, सारी चीजें होना, ये सब क्या है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और आप देखोगे कि ये सारी चीजें जो इसके अंदर जो कहा जा रहा है, अब ये सारे क्वेश्चंस पेंडिंग हैं, तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि कुछ फैक्ट्स क्लियर है और जो तजाद है, अब तक कोई एज नहीं मिली है, अब तक स्टैंडर्ड जो मिला उसके बेसिस पे मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ, जो मेजोरिटी मिली उस बेसिस पे मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ, अब तक ये क्लैरिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ साहिल इसके अंदर ये भूल जाएंगे हम लोग कोई डिबेट में बैठे। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था कि साहिल से, 2 मंथ से मैं ट्राई कर रहा था कि उसके साथ पर्सनली बैठूं, क्योंकि ये सारी बातें मैं अगर उसे पर्सनली कहता तो समझ जाते, बिकॉज ये मिस इन्फॉर्मेशन थी उसके पास, मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे गड़बड़ थी। और आज आपके सामने आप भूल जाओ, ये 10,000 लोग 9,000 लोग देख रहे हैं, भूल जाओ इनको, आप ये सोचो कि आपके सामने कुछ फैक्ट्स आ रहे हैं और वो फैक्ट्स आप उसको देखकर इवैल्यूएट करके कम से कम जो सही बातें उतना एक्सेप्ट करो। और यही चीज एक इंसान जो सच्चाई ईमानदारी के साथ करता है ये उसकी निशानी होती है। आई होप अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको हक बात समझने की कबूल करें, एक तौफीक दे, शुक्रिया। अच्छा ये इसके बाद भी और एक है या ये लास्ट है? आप म्यूट है खालिद भाई, बात भी है ना? है जी। अच्छा ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए हाँ, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा तो यार बड़ी हंसी है मुझे आई थी जब जैद भाई ने ये कहा कि उनके लिए साइंटिफिक डिस्कवरीज और यानी जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको इंटेलिजेंट हम कहेंगे, उसके बजाय इनके नजदीक इंटेलिजेंस ये है कि कोई घर के अंदर के जो मामला थे वो बताए। ये बड़ी अजीब बात थी हमारे लिए, ये घर के मामला बताना ये हमारे घर के बच्चे भी बता सकते हैं, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, कोई ये इंटेलिजेंस वाली बात नहीं है। अच्छा आप कह रहे हैं कि हजरत आयशा बहुत इंटेलिजेंट थी, अगर एक इंटेलिजेंट जो लड़की होती है उसके सामने कोई, एक मिनट रुकिएगा, ये मैं आपके सामने, ये देखिए, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 251 है। ये हदीस में क्या है, नरेटेड अबू सलमा, आयशाज ब्रदर एंड आई वेंट टू आयशा एंड ही आस्क अबाउट दी साहिल भाई हाँ, देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है ना अल्लाह के रसूल, टाइम रोक दीजिए, हाँ टाइम में रोक देता हूँ, हाँ और अब टॉपिक से हट रहे ना? नहीं नहीं, इन्होंने इंटेलिजेंस का मेयार बताया, मैं बता रहा हूँ कि वो उसमें इंटेलिजेंस में मेयार में आती है कि नहीं आती, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं साबित करूंगा कि वो इंटेलिजेंट, आप इसको इंटेलिजेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, मेरा सवाल है इनसे, तो प्लीज मुझे कंटिन्यू करने दीजिए। ठीक है,
जी तो देखिए कि हजरत आयशा नरेटेड अबू सलमा आयशाज ब्रदर एंड आई वेंट टू आयशा, ये दो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, ही आस्क हर अबाउट द बाथ ऑफ द प्रॉफिट, शी रसूलुल्लाह के नहाने के बारे में पूछते हैं, तो इंटेलिजेंट आयशा क्या करती है, हजरत आयशा वो क्या करती है, शी ब्रॉट अ पॉट कंटेनिंग अबाउट ए सा ऑफ वाटर एंड टुक अ बाथ एंड पोर्ड इट ओवर हर हेड एंड एट व्हाट टाइम देयर वाज अ स्क्रीन बिटवीन हर एंड अस। यार इंटेलिजेंट लड़की को अगर कोई रसूलुल्लाह के नहाने के बारे में पूछ रहा है तो वो खुद वो दो शख्स के सामने नहा के क्यों दिखाएंगी, हालांकि वो महरम है गैर महरम है इससे फर्क नहीं पड़ता, इंटेलिजेंट इंसान कभी खुद नहा के नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ हजरत आयशा जो खुद नहा के दिखा रही पर्दा लगा के, अब कैसे नहा रही थी वो आप खुद फैसला कर लीजिए, तो इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस तब माना जाता जब वो कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करती, कुछ फॉर्मूला लेके आती, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज लेके आती, तब ये माना जाता। तो हजरत आयशा का इंटेलिजेंस होना बिल्कुल साबित नहीं है, वो खाना बनाती थी, आटा गूंथती थी और भूल जाती थी, तो यहाँ भी नहीं। और उसके बाद जो है वो वहां पे छूट गई थी तो वो खुद कह रही है कि भाई मेरे बदन में गोश्त भी नहीं था। तो ये सब चीजें हैं जिससे ये साबित होता है कि हजरत आयशा मैच्योर फिजिकली भी नहीं थी, ना मेंटली मैच्योर थी, और ना वो कोई इंटेलिजेंट औरत थी। इसके अलावा आज भी इस्लाम आपको शादी की इजाजत देता है 5-6 साल में, तो क्या अपने जो जैद भाई है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाके या कानून के अगेंस्ट में जाके कुरान की बात मान के 5-6 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? आज भी मुसलमान शादी कर सकता है क्या नहीं कर सकता है? कोई कंडीशन है कि आज आप नहीं करोगे? कोई कंडीशन नहीं है। 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में आज आप आज भी शादी कर सकते हैं। और दूसरी चीज के हजरत आयशा जो है वो रसूलुल्लाह की 89 की उम्र की हो गई थी, यानी 6 साल और 52 साल, 52 साल में आदमी आम तौर पे उसकी 89 होती है, 89 होते हैं, तो 89 की उम्र के बच्ची के साथ शादी करना ये कहां तक सही है? बिल्कुल सही नहीं। आप लोगों का दिल कैसा करता है? आप कह रहे कि इसको जो है 9,000-10,000 लोग देख रहे हैं, उसको छोड़कर आप ये देखो कि ये सही है, ये कैसे सही हो सकता है? ये कैसे एग्जाम्पल हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया, आपका टाइम खत्म हो गया जी, मैं थोड़ा सा 10 सेकंड आपको ज्यादा ही चलेगा, चले कोई बात नहीं। ठीक है, तो जैद भाई मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोग है ना रूल्स के ऊपर बात कर लें। तो साहिल भाई का अपना पैमाना है, आपका अपना पैमाना है, दोनों एक दूसरा कुछ इस पर डिस्कशन करना चाहिए हमें। साहिल भाई कि रूल सेट नहीं हो पा रहे, आप अपने हिसाब से बता रहे हैं, अपने हिसाब से बता रहे, बात सिर्फ यहाँ वहां की हो रही है। अब आई थिंक चल रहा है डिस्कशन, चलने दीजिए। अभी कितने राउंड बचे हैं? रैपिड फायर जैसा रख ले। कितना कितने राउंड बचे हैं? एक राउंड बचा है बस, लास्ट राउंड है ये, लास्ट राउंड ये जो आया मेरा लास्ट राउंड है। हां ये आपका लास्ट राउंड है। हाँ? अच्छा, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मतलब जैद भाई की इजाजत हो तो एक 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए हम रैपिड फायर भी रख सकते हैं, मैं उनको क्वेश्चन करूं वो मुझे आंसर दे, टाइम ना हो, अगर जैद भाई को अगर ठीक लगे तो। देखिए हमारे कुछ शेड्यूल फॉर्मेट डिस्कस हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था, तब अग्री हुआ था, और अग्री होने में ये भी बात थी कोई भी स्पीकर्स में से कोई एक रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि फॉर्मेट चेंज हो। अच्छा, तो ये था क्या जी? आपके आपको चाहते हैं स्क्रीन शेयर कर दूं? फॉर्मेट का नहीं था, मेरे ख्याल से ये था कि लास्ट टाइम पे आप शेड्यूल मेल में भी है, आपके रिप्लाई शेड्यूल चेंज नहीं होगा? हां नहीं चेंज होगा शेड्यूल में, नो स्पीकर विल रिक्वेस्ट कि चेंज करो, तो आपने वो चीज ब्रेक शेड्यूल में, फॉर्मेट की बात नहीं थी उसमें। नहीं नहीं, टर्म्स की मैं आपको बता देख लेता हूं मैं। हां मैं भी देख लेता हूं। देख लीजिए जी, तब तक मैं स्टार्ट करूं मेरा लास्ट राउंड है। हां ठीक आप देख लीजिए, देखिए साल में आप ठीक है, हम वो जो फॉर्मेट तय है उसी के हिसाब से जाएंगे, नो इश्यूज। ठीक है जल्दी टाइम सोच ना। टाइम स्टार्ट अभी होगा, अभी स्टार्ट करिए जी। आप रेडी हैं? अभी मैं रेडी हूँ। जल्दी के टाइम सोच ना। जो बेसिस दो बताए साहिल ने वो दोनों बेसिस से प्रॉफिट मोहम्मद सलासम सही साबित हो चुकी है मैरिज, और ये बात मैंने कई बार दोहराया, उन्होंने इस बात को रिफ्यूट नहीं किया, ना क्लैरिफाई किया, ना अपने कॉन्ट्रडिक्शन को दूर किया। मैंने यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फाइनली आपकी स्क्रीन पे रखा है, आई होप आप अपने लास्ट 3 मिनट्स में कम से कम कुछ जवाब उसमें से देंगे ताकि कोई बात क्लियर हो। मैंने जो सवाल पूछे उसके जवाब नहीं आए,
और साहिल के मैं ढूंढ रहा था कौन सा सवाल बच गया, आई थिंक कोई चीज नॉलेज से तो नहीं बचा, बाय मिस्टेक कोई बच सकता है, लेकिन मैंने ट्राई किया, एवरी सिंगल क्वेश्चन आंसर किया, सिर्फ इंफॉर्मेशन के साथ आप तक पहुंचिए। अगर ये चीज पॉइंट ऑफ व्यू की डिफीट नहीं है, साहिल का पॉइंट ऑफ व्यू जो जुल्म वाला पॉइंट ऑफ व्यू, जो रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, आई रिक्वेस्ट हिम कि ये डिफीट नहीं है तो क्या है आप बताओ, लेकिन ये चीज आज विक्ट्री बन सकती है साहिल की, अगर वो इस चीज को कबूल कर ले, इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि ये पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग था और जो सही पॉइंट ऑफ व्यू उसे एक्सेप्ट कर ले। ये एक क्वेश्चन है, ऐसे 150 क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने कोर्स ये है इस्लाम में दिया है, आप देख सकते हैं ईमान इंस्टीट्यूट, iman.institute पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं, और iPlus TV पे भी द रियल इस्लाम में ऐसे कई सवालों के जवाब हमने दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चलो ये तो जवाब आया आप सबके सामने, लेकिन अगर नहीं आता तो हम लोग डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करते हैं कि डॉक्टर्स हमारे पेट को काट दें हम इजाजत देते हैं, क्यों, उसकी डिग्री देखते हैं हम उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, एरोप्लेन में पायलट को ट्रस्ट करते हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ क्या हमारे क्रिएटर को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं? अगर आप इस्लाम का बेसिक मैसेज एक्सेप्ट समझ जाओ कि देयर इज वन क्रिएटर, हम सबका मालिक एक है और उसके जैसा कोई नहीं है और हम सबकी इबादत वर्शिप उसी के लिए होनी चाहिए, अगर बेसिक मैसेज ऑफ इस्लाम आपको समझ में आ रहा है और फिर आपको एक दिन समझ में नहीं आता है कि आयशा रदिल्लाहु अन्हा से शादी क्यों हुई थी, आपके जहन में सारी बातें नहीं आती, तो क्या आप अपने क्रिएटर को ट्रस्ट नहीं कर सकते? आप देखो सहाबा को नहीं मालूम था कि चिकन अलाउड है, मटन अलाउड है, फिश अलाउड है, पोर्क क्यों नहीं अलाउड है, बाद में जाके साबित हुआ कि पोर्क खाने से 200 अलग अलग बीमारियां होती, 200 अलग अलग बीमारियां अभी साबित हुआ है ये, और कितने सारे टाइप के 18 वर्म्स, पैरासाइट वर्म्स, शराब से कितने प्रॉब्लम है उनको नहीं मालूम था, बट वो लोग तो बच गए उस चीज से। तो आप देखिए एक मेरी 3 पार्ट में वीडियो है व्हाई इस्लाम, मैंने जी साहिल भाई कुछ कहना चाहते हैं, ये टॉपिक से हट के बात हो रही है अभी जो हो रही है, ये टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, ये प्रूफ है कि अगर आप इस्लाम को हक मानते हो तो ये आपको मानना होगा, आपको ये मानना होगा कि इसके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिज विद आयशा भी सही थी, क्यों साहिल भाई कंटिन्यू करते हैं इसको, ये भी लॉजिकल है, ये भी उससे कनेक्टेड है। अच्छा आखिर में मैं बात ही कहूंगा कि सोचो एक शख्स कहता है आई डोंट बिलीव इन ग्रेविटी और ऐसा शख्स बिल्डिंग के ऊपर से गिर जाए तो क्या होगा आपको मालूम है, नीचे ही गिरेगा वो, उसके डिनाई करने से हकीकत थोड़ी बदल जाती है। तो मैं आप सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि ये डिनाई करने से हकीकत नहीं चेंज हो जाती है और ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हक है ना वो रियल है साहिल, और हम सब मर के अपने क्रिएटर के सामने अकाउंटेबल है, उसी के सामने खड़े होने वाले, आज डिनाई करके रियलिटी नहीं चेंज होती, आप प्लीज इस बारे में स्टडी करिए, जो हक और सही बात है उसको कबूल करिए, और इस बारे में जो भी चीज है मैं भी एक लाइव स्ट्रीम, जैसे साहिल रखने वाले एक लाइव स्ट्रीम, तो मैं भी एक लाइव स्ट्रीम अपने यूट्यूब चैनल पर रखूंगा, अभी ये फिनिश होने के बाद आप सब वहां ज्वाइन हो सकते हैं ताकि हम इस डिबेट के ऊपर और डिस्कशन करेंगे। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा इधर आप लोग देखिए कि यहाँ पे हमने ये देखा कि इस्लाम जो है आज भी इजाजत देता है कि आप बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं। जैद भाई ने अभी तक ये नहीं बताया कि क्या वो 5 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते अगर कर सकते हैं तो उस बच्ची का हक किधर गया खुद का पार्टनर चूज करने का, क्या आप उसको जो है पहले शादी कर लोगे इस्लाम के हिसाब से, मंगनी की बात नहीं कर रहा मैं, निकाह की बात कर रहा हूँ, आप निकाह कर सकते हैं। उसके बाद जो इनका मेंस्ट्रुएशन का पॉइंट था, मैंने इनको हवाले दिए अभी, जो ये वेबसाइट बताई थी मैंने, healthline.com की वेबसाइट थी जिसमें ये बात बताई गई है और हम खुद जो है प्रैक्टिकली सामने भी देखते हैं कि एक बच्ची सिर्फ उसको 9-10 साल में मेंस्ट्रुएशन आने से उसकी बॉडी अभी फिजिकली डेवलप नहीं हुई है, उसके ब्रेस्ट इनलार्ज होना बाकी है, उसके पेल्विस को जो है वो अपने जो मैक्सिमम साइज है उसमें आना बाकी है, इस्लाम ये सब कुछ नहीं देखता। तो ये सबसे बड़ा एतराज तो ये था, सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के आने से आप शादी कर सकते हैं, यानी आप सेक्स कर सकते हैं, हालांकि ये भी साबित नहीं है कुरान हदीस से कि मेंस्ट्रुएशन आना जरूरी है, ठीक है, ये भी हमने देखा। दूसरी चीज के इन्होंने ये कहा कि भाई हम प्लेन में बैठ जाते हैं बिना भरोसा किए, डॉक्टर पे आप लेट जाते हो ऑपरेशन के लिए बिना उस पे भरोसा किए, भाई डॉक्टर के सामने जो लेटते हैं तो वो उसकी पढ़ाई के वजह से, उसकी जो चीज प्रूव्ड है, साइंटिफिक चीजें प्रूव्ड है, उसको डिग्री मिली है, उस बेसिस पे आदमी लेटता है, प्लेन में इसके लिए जाता है क्योंकि वो चीजें प्रूव्ड है कि इस तरीके से चीजें काम करती है और ये प्लेन इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि वो साइंटिफिक वे में उड़ेगी, आप गिरोगे नहीं, तब जाके करते हैं। रसूलुल्लाह का कोई प्रूफ नहीं, रसूलुल्लाह की बातों की कोई प्रूफ नहीं, क्या रसूलुल्लाह जो है वो रोल मॉडल है, हमने देखा नहीं है, ऐसे कई सारी चीजें हैं जहां पे हम देखेंगे कि रोल मॉडल हो ही नहीं सकते, उनके जो काम थे, उनके जो यानी जो
हमारे थे उनके रोल मॉडल की बात नहीं चल रही, बात यहाँ पे पॉइंट है हमारा। सैद भाई ने भी तो वही किया कि मैं ये बता रहा हूँ ना कि अगर वो रोल मॉडल है ही नहीं तो हम फिर उनको कैसे नबी माने और इस तरीके को कैसे सही माने। नहीं मानना है, डिस्कशन यहाँ पे नहीं है। तो जैद भाई ने भी तो क्रिएटर की बात की ना कि आप जो है क्रिएटर पे भरोसा करोगे तो ये सही हो जाएगा। आपको बैलेंस करना पड़ेगा ना, इंसाफ करना पड़ेगा, वहां पे आपको रोकना चाहिए था। क्रिएटर की बात की आप, मोहम्मद तो मैं रसूल की बात कर रहा हूँ। अगर उनको क्रिएटर की बात करने का हक है तो मुझे नबी की बात करने का हक होना चाहिए ना। आप इंसाफ करिए ना, ठीक है। मेरा टाइम रोके थे आपने, टाइम रोका था आपने खाली। अच्छा ओके, तो आप अगर देखोगे कि रसूलुल्लाह के जितने भी तरीके रहे हैं, चाहे वो बच्चियों के साथ शादी करना, मुंह बोले बेटे की तलाक शुदा बहू के साथ शादी करना, तो ये सब रोल मॉडल में आ ही नहीं सकता है। और ये जो आज का जो टॉपिक था, मैं इस पे आ जाता हूँ कि यहाँ पे साफ साफ ये बात साबित हो गई है कि एक बच्ची के साथ शादी करना, चाहे वो स्टार्टिंग में निकाह सिर्फ सेक्स आपने स्टार्ट नहीं किया तो भी गलत है, और सिर्फ मेंस्ट्रुएशन होने पे सेक्स स्टार्ट करना और उसको जो है वो एक मुश्किल में डालना, कॉम्प्लिकेशन में डालना, ये भी इस्लाम का गलत तरीका है। अच्छा ये तरीका कि आप एक बूढ़े उम्र में है और आप एक बच्ची के साथ जो आपकी नवासी की उम्र की है, आपकी बेटी की उम्र की है, उसके साथ शादी करना, तो ये तो एकदम ही रोल मॉडल के खिलाफ है। तो जितने लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे मोमिन भाई हैं, वो खुद फैसला करें कि क्या ऐसे शख्स को आप रोल मॉडल मान सकते हैं, क्या ये तरीका सही है, क्या आप अपनी बच्चियों की शादी, 6-6 साल की बच्चियों की शादी किसी मस्जिद के बूढ़े इमाम के साथ आप करना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। अगर कोई करता है तो आप उसको जो है वो गालियां देंगे। जी मैं सिर्फ अपने चैनल का बोल देता हूँ अगर इजाजत हो तो। हाँ दोस्तों देखिए, जितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि 3 स्ट्राइक्स मेरे ऊपर आई थी तो ये मेन चैनल जो है, हो सकता है अगर स्ट्राइक रिजॉल्व नहीं हुई तो ये डिसेबल हो जाए या उड़ जाए। तो जो मेरा दूसरा चैनल है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल बैकअप, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप लोग जितने लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले। और ये स्ट्रीम खत्म होने के बाद इस बैकअप चैनल पे एक हम रिव्यू स्ट्रीम करेंगे जहाँ पे आप जुड़ सकते हो और अपनी बात रख सकते हो। बहुत शुक्रिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बात खत्म की जाए और स्ट्रीम को बंद कर दिया जाए। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात हुई और इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो हम फिर मुलाकात करेंगे इसी तरीके से। अच्छा एक आपने अनाउंसमेंट नहीं किया था कि लाइव चैट जो है वो जैद भाई के रिक्वेस्ट पे मैंने बंद किया था ताकि ये डिबेट हो सके। मैंने खुद आके लाइव में रिक्वेस्ट कर दिया था, आपके सामने खालिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आगे भी ऐसी डिस्कशंस हमारी होते रहेंगी आपके साथ, और जो दीगर इस्लामिक स्पीकर्स है, उलमा है, जो भी है वो भी आके हमारे साथ डिस्कशन करेंगे इसी अंदाज में, अच्छे अंदाज में हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको भी कोई गिला शिकवा नहीं होगा आज के डिबेट के ताल्लुक से।